नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है। उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए। कांग्रेस ने हिमाचल में झूठ बोला, अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में दो दो बार हरवाया। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। पीएम मोदी ने बातें हरियाणा में कही। उन्होंने पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गतपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार को चुनाव की अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में हुड्डा की सरकार थी तब किसानों के घर में 2 रुपए मुआवजा का चेक पहुंचाया था, जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपए की सम्मान निधि उनके बैंक खातों में पहुंचाती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस हमारी सेना पर भी हमला करती है। हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान वापस लाएंगे। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर को भी तोड़ दिया, इतना बड़ा हिस्सा गवा दिया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।